व्यूअर्स, बहुत ही सख्त आंधी आ रही है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये आसमान यहाँ पे देख रहे हैं, और आगे चल के देखें, ये देखें बहुत ही काली और बहुत ही ज़बरदस्त आंधी इस वक्त आ रही है आप सामने। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रही है, तूफान मूव कर रहा है इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ, और देखते देखते ये छा जाएगा आसमान पे, आपको सारे आसमान पे आपको काले बादल और काली जो है घिन गरज के साथ, हो सकता है बारिश भी हो, और बहुत तेज़ी से ये मूव कर रही है। ये आंधी, आंधी तो नहीं, ये तूफान की शक्ल में आ रहा है, बहुत बड़ा जो एक भगोला सा अभी आपके सामने होगा। और यहाँ आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत तेज़ आंधी चल चुकी है, यहाँ देख सकते हैं जहाँ मैं जूम कर रहा हूँ, और अभी ये पहुँचने वाली है, और यहाँ पे बहुत तेज़ आंधी आ रही है। इस तरह के जो बहुत तेज़ आंधी होती हैं अक्सर जो है चीज़ों को, कमज़ोर स्ट्रक्चर को, दरख्तों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं, और इस वक्त भी आंधी चल चुकी है बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ पहुंच चुकी है, और आंधी जो अपनी फुल आबोताब के साथ इस वक्त चल रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत तेज़ रफ्तार आंधी इस वक्त बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, बल्कि स्टार्ट हो चुकी है। आज है 5 जून 2024, और इन्होंने मौसम के तब्दीलियों के बारे में आगाह किया हुआ था NDAMA ने, पहले भी महकमे मौसमियात ने, कि बारिशों का सिलसिला और आंधियों और झक्खड़ चलने का 100% अमकानात है, और कमज़ोर स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने के भी अमकानात है, तो एहतियाती तदाबीर जो है वो हर बंदा इख्तियार करे अपने हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ख़ास ज़्यादा तेज़ नहीं है तूफ़ान, ये देखिए बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं इस हवा को, क्योंकि हवा बहुत इस वक्त ठंडी ठंडी आ रही है।